Promotion code is brought to you by Wellness Pathcare. Name in preventive health checkup. Wellness Pathcare has a team of highly experienced pathologists gives you the most accurate and reliable results. www.wholebodycheckup.com. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत चतुर्वेदी और हर हफ्ते की तरह इस बार मैं ओपन कोर्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ओपन कोर्ट में करीब करीब आप लोग मेरे साथ में राजनीतिक मुद्दों के ऊपर कार्यक्रम देखते हैं, लेकिन जीवन में सिर्फ राजनीति ही नहीं होती, जीवन में सबसे बड़ा धन होता है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही जीवन है, सेहत ही हमारी असली माया है। आज का कार्यक्रम समर्पित है हमारे हेल्थ को। हेल्थ छोटे बच्चे का हो, चाहे टीनेज का हो, जवान का हो, महिला का हो, ओल्ड एज पर्सन का हो, चाहे वुमेन का हो, हर आदमी में हर एज में अलग अलग हेल्थ इश्यूज होते हैं। आप और हम अपने घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रखते हैं, जिनकी हम समय समय पर सर्विसिंग करते हैं। गर्मी का सीजन शुरू होता है, गर्मी का सीजन शुरू होता ही हमारे पास में सबसे पहला काम आता है यार एसी की हमें सर्विस करवानी है। घर में जितने बंद पड़े हुए कूलर हैं उनको साफ सफाई करके ऑयलिंग करके चालू करना है। हर घर में आजकल कार हो चुकी है मेट्रो के अंदर, जो हमारी कार होती है हम उसको डेली कपड़ा मार के पानी मार के साफ करते हैं और एक रेगुलर इंटरवल पे उसकी सर्विस करते हैं। कार, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एक मशीनरी है। दोस्तों, हमारा जो शरीर है वो भी एक मशीन है। यदि आप मेडिकल साइंस के अंदर में हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को यदि आप स्टडी करेंगे तो हमारी बॉडी का हर पार्ट अपने आप में एक मशीन है। हमारा हार्ट एक मोटर है, जो मोटर दिन भर 24/7 चलती रहती है। उस मोटर का काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करना। यदि वो मोटर एक सेकंड के लिए भी बंद हो जाती है तो हमारी बॉडी में कुछ एक डिसऑर्डर्स पैदा हो जाएंगे। यदि वो कुछ और ज़्यादा सेकंड के लिए बंद हो जाएगी तो मैं नहीं समझता कि मुझे बताने की जरूरत है कि आगे क्या होगा। मैं खैर हेल्थ टॉपिक में कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आज हमारे दर्शकों तक हेल्थ के टॉपिक से कुछ छोटी छोटी बातें पहुँचाने के लिए मेरे स्टूडियो में मेरे साथ में मौजूद हैं मेरे खास दो मेहमान, जिनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। मेरे साथ में जुड़ रहे हैं राम त्यागी जी, मेरे साथ में दूसरे मेहमान जुड़ रहे हैं सुनील दुग्गल जी। राम त्यागी जी और सुनील दुग्गल जी का स्वागत है ओपन कोर्ट में। इन दोनों का स्वस्थ भारत मिशन, जी मोदी सरकार के बहुत सारे मिशन हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा है स्वच्छ भारत, एक और है स्वस्थ भारत। देखिए, भारत यदि स्वच्छ होगा तो अपने आप स्वस्थ होगा, क्योंकि जहां पे गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, तो वहां पे स्वच्छता कहां से आ सकती है। स्वस्थ भारत के इस मिशन में राम त्यागी जी और सुनील दुग्गल जी दोनों लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है इन दोनों की जो एक स्टार्टअप का इनका प्रोजेक्ट है, उस स्टार्टअप के प्रोजेक्ट से ये भारत को स्वस्थ करने की मुहिम में लगे हुए हैं। इन देश की जनता के अंदर एक अलार्म बजाना, बेल बजाना कि भाई जैसे गाड़ी एक सर्विस मांगती है तो सर्विस से पहले बेल बजाती है, कई तरह के बेल देती है, उसके इंजन में से आवाज आती है, उसके हर पार्ट्स में से आवाज आती है, इसका मतलब कि आपकी गाड़ी सर्विस मांग रही है। दोस्तों, उसी तरह इंसान का शरीर भी एक इंजन है। मेरे साथ में राम त्यागी जी जुड़ रहे हैं। त्यागी जी, बताएं कि गाड़ी की तरह इंसान का शरीर कितने तरह का अलार्म बजाता है जिससे उसको लगे कि भाई अब आपको सर्विसिंग की जरूरत है। देखिए, आज की इतनी ज़्यादा हेक्टिक लाइफ हम लोग जी रहे हैं, हर आदमी अपने भाग दौड़ में लगा हुआ है,
बिल्कुल, मतलब हम अपने भागदौड़ वाली जिंदगी में, पोल्यूशन वाली लाइफ में हम अपने शरीर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और अगर हमें सबसे पहले ये पता चल जाए कि हमारी बॉडी में कुछ भी चेंजेस टाइम के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, इन चीजों से, त्यागी जी शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इससे क्या मतलब है? शरीर की तरफ ध्यान देने के लिए देखिए दुनिया भर के ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, बॉडी स्पास खुले हुए हैं, लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। हाँ। तो शरीर की तरफ ध्यान देने से एक्चुअल मीनिंग क्या है आपका? मतलब कहने का ये है कि जैसे अभी आपने बात की कि घर गाड़ी को एक सर्विस की जरूरत पड़ती है, उसके पार्ट्स को रिपेयर की जरूरत पड़ती है, मोबाइलिंग की, उसमें ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, हमें अपने शरीर के बारे में यही नहीं पता होगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब किसी का जैसे हमारे हैक्टिक लाइफस्टाइल में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, अगर हम आज उस कोलेस्ट्रॉल लेवल को जान के कि हमारा ये लेवल बढ़ रहा है तो हम उसका परहेज कर सकते हैं सैर करके, सैर करके और ऑयल वगैरह कम खा के। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम उसके ध्यान कैसे देंगे जी। तो इसलिए हम लोगों ने एक लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं कि अपने पूरी बॉडी की जांच कराएं, होल बॉडी चेकअप के नाम से हम लोग इस ड्राइव को चला रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट हार्ट का, लीवर का, किडनी का, थायराइड का, आर्थराइटिस का, एनीमिया का, कुछ भी बॉडी में चेंजेस आता है हम उस टेस्ट को करा के पहचान सकते हैं और उसको, और क्योंकि हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर हमें पहले इनिशियल स्टेज पे पता चल जाता है तो ऐसे हम बड़ी मेजर प्रॉब्लम को आने से बच सकते हैं। ऐसे बहुत एग्जांपल हैं, जैसे लोगों ने टाइमली, अब लोग आते हैं हमारे पास, हम उनका टेस्ट करते हैं, हम होम सर्विस के साथ पूरी ब्लड का और यूरिन का पूरी डिटेल रिपोर्ट, एक ले पर्सन भी उसको पहचान सकता है मेरी बॉडी में क्या कमी आ रही है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं और टाइमली अगर पता चल गया है तो उसका इलाज बहुत कम समय में और थोड़े से ध्यान देने से कर सकते हैं जी। दुगल सर, इसी विषय पे आप अपने कुछ विचार रखिए, हमारी बॉडी में किस किस टाइप के अलार्म बजते हैं कि अब आपको अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, जब हम अलार्म की बात करते हैं तो अलार्म तो तब बजेगा जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे शरीर में कोई भी दिक्कत आती है इनिशियल स्टेजेस में कोई भी हमें सिम्टम नहीं मिल पाता है जी। और वो जब सिम्टम्स मिलते हैं तब तक प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती है, तो हमें उस अलार्म का भी वेट नहीं करना चाहिए। अगर लोग अभी भी हमारे देश में वो जो गरीब तबका है, जो कम मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो हेल्थ पे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन कब खर्च कर रहा है? जब वो बीमार पड़ रहा है जी। अगर वो समय रहते कम पैसा खर्च करे और समय रहते रेगुलर अपना साल में एक बार अपना चेकअप कराए तो वो आने वाली बीमारियों से बच सकता है, उससे हमारी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि वो पैसा वो अपनी पढ़ाई पे, बच्चों की पढ़ाई पे इस्तेमाल कर सकता है, अपने बिजनेस में कर सकता है। लेकिन वो इग्नोरेंस की वजह से वो उस निग्लेक्ट हो रहा है और वो बीमार होता है और ज्यादा पैसे खर्च करता है जी। दोस्तों, एक वर्ड आता है राजनीति में, हम लोग कॉमनली सुनते हैं, मैं पत्रकार हूं इसलिए हर बात में राजनीति घुसा ही देता हूं, एक वर्ड आता है भय की राजनीति। जो सेकुलर पार्टीज हैं उनका ये कहना होता है कि भारतीय जनता पार्टी आ गई तो मुसलमानों को ये हो जाएगा, अल्पसंख्यकों को ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, एक भय की राजनीति होती है। जब हम धर्म के अंदर आते हैं तो धर्म के अंदर जो हमारे खास तौर पे मैं बात करूंगा मौलाना लोगों की, वो भी एक भय की राजनीति करते हैं कि भाई आपने ये नहीं किया तो आपके ऊपर कुफ्र होगा, ये होगा, वो होगा। जब हम डॉक्टर्स करते हैं तो डॉक्टर्स अपनी एक अलग राजनीति करते हैं कि भाई मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ, ये दवाई आपने लिख के दे दी, उस दवाई में भी झगड़ा चलता है कि वो दवाइयाँ जेनरिक है या ब्रांडेड है। लेकिन मजबूरी का मारा आदमी जो पेशेंट है और जो पेशेंट की फैमिली पर्सन है वो क्या करते हैं कि डॉक्टर साहब ने दवाई लिख के दे दी, उन्होंने 5-10 टेस्ट लिख के दे दिए, चाहे वो जरूरी हो ना हो, गैर जरूरी हो, कितना भी सस्ता हो, कितना भी महंगा हो, वो आदमी कराता है। इससे बोलते हैं भय की मेडिकल प्रैक्टिस। क्या जो आपका कंसेप्ट है होल बॉडी चेकअप, राम त्यागी जी,
क्या ये देश की जनता को आप एक तरफ से डरा नहीं रहे कि आपको ये एडवांस में ये करा लो, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये भी आप एक तरह से मैं समझता हूँ ये भाई की आप भाई का बिजनेस कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप डरा डरा के बिजनेस कर रहे हैं। नवनीत जी ऐसा नहीं है कि हम डरा रहे हैं, हम उस डर को खत्म कर रहे हैं। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हम देखने को मिल रहे हैं हमें, जैसे अगर कोई भी पेशेंट है वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको 4-5 टेस्ट लिख दिए, लेकिन उसने उस डायग्नोस को उसकी बॉडी को एग्जामिन करके जो उसको लगा कि ये टेस्ट होने चाहिए वो उन्होंने लिख दिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जो अब जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी आज की डेट में 90% लोगों में है और बहुत ज्यादा अवेयरनेस लोगों में आ चुकी है। हम देख रहे हैं लोग अपने आप विटामिन डी करा रहे हैं और विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की वीकनेस हो जाएगी, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएंगे, कई तरह के कैंसर तक डेवलप हो सकते हैं बॉडी में जो कि अभी नहीं आए हैं, लेकिन डॉक्टर को भी नहीं पता और हम नॉर्मल जो टेस्ट कैंसर के अगर करा लें और उसमें भी नहीं आता है। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली बॉडी में डेफिशिएंसी 2 साल तक बनी रही, 3 साल तक बनी रही, तो वो कैंसर जरूर डेवलप हो जाएगा या अदर उससे रिलेटेड डिजीज बहुत सारी डेवलप हो जाएंगी। उस टाइम वो जो डर, आज हम वो डर ये पता करके अगर हम ये कह रहे हैं कि मुझे को डर लग जा रहा है, ऐसे पेशेंट भी हमें मिलते हैं जो कहते हैं और नहीं मैं चेक नहीं कराता, मुझे बीमारी पता चल जाएगी, अभी तो मैं ठीक हूं। लेकिन वो जो छुपी हुई चीज है जो हम बताना चाहते हैं और हमने इसीलिए इसका प्राइस स्ट्रक्चर पे बहुत मेहनत करी है, इतना कम प्राइस हम लोग लेके आए। मैं आता हूं एक दूसरे मुद्दे पे, जैसा आपने बोला कि आपके पास में कुछ लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगा, क्यों? क्योंकि यदि मैंने करवाया तो हो सकता है मुझे कुछ बीमारी निकल जाए। जो वो बंदा आज टेंशन फ्री है उसे ना चाहते हुए भी टेंशन लेनी पड़ेगी कि उसे ये 2-3 टाइप की बीमारियां हैं या हो सकती हैं या उसपे ये फैक्टर्स की कमी है जिसकी वजह से नियर फ्यूचर में हो जाएगा, जो चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से बीमारी आने वाली है। वो हमेशा हमेशा दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो ये जो आपको थैंक यू बोलेगा कि थैंक यू राम त्यागी जी आपके इस स्टार्टअप की वजह से मुझे पता पड़ गया कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स को या मेरी वाइफ को मेरे बच्चे को ये संभावना हो सकती थी इन फ्यूचर में, आपकी वजह से पता पड़ गया, हम इसका प्रिकॉशंस करेंगे, इसके जो गाइडलाइंस जो है वो उसको फॉलो करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसा आपने बोला कि नहीं यार मुझे तो उल्टा टेंशन हो जाएगी, दुबई साहब ऐसे लोगों का रेशियो कितना है, कितने लोग आपको थैंक यू बोलते हैं, कितने लोग टेंशन देके जाते हैं? देखिए अभी भी अगर हम ये कहें तो हम पीरियोडिकली अपनी गाड़ी का को चेक कराते हैं, लेकिन हम अपने आप को उतना पीरियोडिकली चेक नहीं कराते जी। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे स्कूटर वाला हो, चाहे गाड़ी वाला हो, महंगी गाड़ी सस्ती गाड़ी वाला, वो उसको रेगुलर चेक कराता है, लेकिन वो अपने आप को चेक नहीं कराता कि मैं कितनी दूर जा पाऊंगा जी। आज अगर हम बात करें, जैसे हम अब कहते हैं कि शादी है, शादी में हम जो लड़का लड़की है उनकी कुंडली मिलाते हैं जी, लेकिन हम उनकी ब्लड रिपोर्ट नहीं मिलाते जी। उस कारणवश क्या हो रहा है कि हम एक बार अगर आप जो कह रहे हैं डर, डर ने क्या कहा कि कोई बीमारी ना निकल आए जी, लेकिन अगर हम बात करें तो भारत देश में आज कितने ही थैलेसीमिया के बच्चे हैं जो जिन्हें हर महीने ब्लड की जरूरत है क्योंकि वो थैलेसीमिक हैं, उसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, उन माँ बाप की गलती है जिन्होंने शादी से पहले अपना थैलेसीमिया स्क्रीनिंग नहीं किया और वो कैरियर थे और वो बीमारी बच्चे में चली गई जी। तो उसमें इग्नोरेंस करने की जरूरत क्या है वो? अच्छा, त्यागी जी किस किस टाइप की बीमारियां ऐसी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं जो माँ बाप से पेरेंट्स से बच्चों में जाती हैं? ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज है जी, हेरिडिटी है, दादा में फादर में या मदर में थी तो वो बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है, थैलेसीमिया जैसे सुनील जी ने बताया ये एक ऐसी बहुत ज्यादा सोचने की बात है, लोगों को ध्यान देने की बात है इस थैलेसीमिया जैसी बीमारी के लिए जिसका बाद में क्योर भी नहीं होगा और वो लाइफ स्पैन को डिस्टर्ब करेगा, पूरी लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, इवन पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करेगा। दोस्तों स्टार्टअप इंडिया जो मोदी सरकार की एक अहम योजना थी जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारी सहूलतें दी देश के यूथ को कि उनके दिमाग में कोई इनोवेटिव आइडिया हो, कोई एकदम से कोई नई स्कीम हो जो देश के लिए समाज के लिए काम करती हो। हमारे साथ में जो आज हमारे दो मेहमान
हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं राम त्यागी जी और सुनील दुकल जी। इनका एक स्टार्टअप वेंचर है जिस वेंचर का नाम है वेलनेस पैथकेयर, और इस वेलनेस पैथकेयर का स्वस्थ भारत के अंदर मैं समझता हूँ इन्होंने एक इनोवेटिव स्टेप उठाया है, प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप। प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप का मतलब ये हुआ कि हमारे समाज में जो शादी से पहले लड़के और लड़कियों का जो कुंडली मिलान होता है, उसी कुंडली मिलान की तरह लड़के और लड़की का ब्लड टेस्ट हो। ब्लड टेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी को चेक करना है कि भाई तुम्हें कहीं HIV तो नहीं है, शायद हम उस पॉइंट पर नहीं जा रहे, लेकिन ब्लड टेस्ट करने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब बहुत सारी बीमारियां होती हैं, चाहे वो कम उम्र के अंदर बाल झड़ना, बाल को सफ़ेद होना, या डायबिटीज होना, या ऑटिज्म जैसी या मेंटल डिसऑर्डर टाइप की जो बीमारियां होती हैं जो हेरिडिटी में आती हैं, जो एक परिवार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती हैं। तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर नई जनरेशन में ना हो, उसके लिए प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप होता है। दुगल जी, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे हर समाज हर जाति एक सामाजिक सरोकारों से, संस्कार से, रीति रिवाज से बंधा हुआ है। चाहे वो कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, उसके कल्चर, उसकी रस्में, उसकी सोच वही है। आपके पास में जब लोग आते हैं और जब आप उन्हें बोलते हो, आप उन्हें समझाते हैं कि प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप, तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है? देखिए, पहला अगर हम जनरल लोगों की बात करें जी, तो आज भी 99.99% लोग इस पे एग्री नहीं होते हैं जी। लेकिन कुछ समझदार लोग जिन्हें इसका पता है जी, या कोई फ्रेंड सर्कल में उनके लोगों को ये दिक्कतें आ चुकी हैं जी, उसमें से भी बहुत कम लोग ऐसे चेकअप्स पे जाते हैं जी। क्योंकि जैसे आपने बोला, आज भी हम अपने संस्कारों में जुड़े हुए हैं। जब हम अगर लड़के वाले कहते हैं कि लड़के का ब्लड टेस्ट कराना है, तो लड़के वाले एग्री नहीं होते। लड़की वाले कोई भी दूसरा पक्ष अगर उनको कहता है, तो हो सकता है कि उन्हें ये डर है कि दूसरा पक्ष रेडी होगा या नहीं होगा। हाँ, इंडिविजुअली फैमिली से अलग हटके बहुत सारे कपल्स आते हैं जो शादी से पहले अगर नहीं भी करा पाए हैं, तो अपनी नेक्स्ट कंसीव करने से पहले रूटीन चेकअप्स करा लिया करते हैं, ताकि क्योंकि उसको कराने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें पहले पता चल जाए तो उसके सबके समाधान है। आज की डेट में साइंस में सबके समाधान है कि वो कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं उनको। त्यागी जी, आपका जो कस्टमर बेस है, उस कस्टमर बेस में से यूथ और सीनियर सिटीजन का कितना रेशियो है? देखिए, अगर हम ऐसे इवेल्युएट करें तो जो यंग जनरेशन है वो हमारे जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स वगैरह हैं उनमें ज्यादा ध्यान देते हैं जी। हम लोगों ने स्पेशली डिजाइन किया है इस तरह का पैकेज कि एक तो हर गरीब से गरीब आदमी भी उसको पैकेज का फायदा उठा सके, वो अपने पूरे शरीर के बारे में पहचान सके, अपने बारे में, अपने घर के घर वालों के बारे में जान सके, ताकि टाइम रहते वो उसका क्योर कर सके। जैसा कि अभी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जग जाहिर है, सबको पता है, हमारे बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर हैं युवराज सिंह, उन्होंने टाइम रहते उन्होंने अपना हेल्थ चेकअप कराया तो उन्हें पता चल गया कि उनको कैंसर है, और आज दोबारा एक अच्छे ब्रेक के बाद ट्रीट होके वो दोबारा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, अगर हम टाइम रहते हमें पता चल जाए तो हम लोग हर चीज के लिए तैयार हो सकते हैं, और उस केस में हमारा एक्सपेंस भी कम होगा, मेंटली डिस्टरबेंस भी कम होगा, हमारा जो ट्रीटमेंट का टाइम है वो भी कम लगेगा। अदरवाइज बीमारी डेवलप होने के बाद जो परेशानी हमें खुद को पेशेंट को मतलब ये हुआ, देसी भाषा में जैसे एक पंडित और एक ज्योतिषी एक आदमी की हाथ देख के या कुंडली देख के मस्तिष्क देख के जो बोलता है कि साहब अगले 6 महीने बाद में आपकी राशि में शनि में राहु केतु मंगल वगैरह वगैरह आएगा, पर आपके ऊपर ये ग्रह दशा भारी हो जाएगी, वो ग्रह दशा भारी हो जाएगी, तो इसके लिए आपको ये अनुष्ठान कराना पड़ेगा, कबूतर को दाना डालना पड़ेगा, कुत्ते को रोटी देनी पड़ेगी, गाय को गुड़ देना पड़ेगा। तो उसी तरह से आप लोग एक आधुनिक पंडित हैं जो एक आदमी की कुंडली तो खैर नहीं देखते, आप उनका खून लेते हैं, मतलब ब्लड टेस्ट करते हैं
और ब्लड टेस्ट करके आप उसको बता सकते हैं कि भाई आने वाले टाइम में आपको ये समस्या हो सकती है, इस समस्या से बचने के लिए आपको ये प्रिवेंटिव करने हैं। दोस्तों ये है मुद्दा, बहुत ही मैंने एक आम भाषा के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है मेरे इस प्रोग्राम ओपन कोर्ट के जरिए कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है क्या। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में सिंपली एक कंसेप्ट है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक डॉक्टर्स का या एक लेबोरेटरीज का ग्रुप नहीं है कि आपकी कोई बीमारी हो गई और आप यहाँ पे इनके सेंटर पे आप अपना ECG कराने चले गए या एक्सरे कराने चले गए या आप सोनोग्राफी कराने चले गए। इनका मेन कंसेप्ट है कि बीमार होने से पहले आप आज जो है जैसे है जिस स्थिति में है कुछ अपनी बॉडी के टेस्टेज करवा लीजिए। उस टेस्टेज करवाने से आपको ये पता पड़ जाएगा कि सर आपको ये बीमारियां हो सकती हैं इन फ्यूचर, जैसा कि पंडित ज्योतिषी बताते हैं। जब पंडित और ज्योतिषी के पास हम जाते हैं तो मार्केट में अलग अलग तरह के ट्रेंड होते हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ, कुंडली विशेषज्ञ, टैरो कार्ड, और जब हम कुछ और तरीके से जाते हैं तो कई सूफी बाबा, बंगाली बाबा लोग भी आ जाते हैं। तो उसी तरह स्वस्थ भारत के अंदर में इनका जो एक स्टार्टअप वेंचर है वेलनेस पैथकेयर, वो एक तरह से मैं समझता हूँ डॉक्टर पंडित या पंडित डॉक्टर टाइप का कुछ कंसेप्ट है, सही करूँ राम त्यागी जी? कहीं हद तक कह सकते हैं समझाने के लिए जी। बेसिकली पहले क्या था, एक तो आज की डेट में जैसे सुनील जी ने बताया हमारा हेल्थ सेक्टर बहुत एक्सपेंसिव है, हर आदमी की पहुंच से दूर है और लोगों के अंदर एक फोबिया ये भी रहता था कि मेरी एक 10,000, 15,000, 20,000 की सैलरी में अगर मैं टेस्ट कराने में अपना टेस्ट कराऊं, मदर का कराऊं, वाइफ का कराऊं, किसका, तो कुछ सारे पैसे हेल्थ उसमें चले जाएंगे, घर के बाकी का काम कैसे होगा। हमने जो कंसेप्ट हम लेके आए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, इतना इजी हमने इसको बना दिया और इतना इकोनॉमिकल बना दिया कि जो टेस्ट बाजार में 10,000-12,000 रुपए के कीमत के होते हैं हम लोग उसको 2,000 में, 2,500 में हमारे पैकेज के थ्रू वो अवेल कर सकते हैं और हम ये सर्विस घर बैठे ही उनको प्रदान कर रहे हैं। मतलब वो लोग जस्ट एक फोन कॉल पे अपने घर बैठे बैठे सैंपल दे सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है उसका और घर बैठे ही उनको रिपोर्ट डिलीवरी हो जाएगी और इतनी प्रॉपर लेंथी रिपोर्ट इजिली कोई भी उसको पढ़ के समझ सकता है मेरे किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आने की शुरुआत हो रही है। देखो टाइम के रहते चेंजेस आते हैं, हर चीज में चेंजेस आते हैं तो हमारा शरीर भी चेंज अंदर मैकेनिज्म है, चेंजेस आ रहे हैं जिसके अगर हम टाइमली उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो बीमारी का रूप धारण कर लेगा। तो हमने इस कंसेप्ट के जरिए लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि अपने शरीर के बारे में जानिए और उसको कैसे हेल्दी जीवन जिया जा सकता है, कैसे उन बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है, उसके तरफ आप ध्यान दीजिए। दुगल जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, जिस तरह से आप लोग हेल्थ चेकअप करते हैं और आप लोगों की मेडिकल रिपोर्ट्स आप निकालते हैं, लैब रिपोर्ट्स आप देते हैं, उस लैब रिपोर्ट्स को बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कितना ऑनर करते हैं उस रिपोर्ट को? देखिए जब आप वो रिपोर्ट लेके किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं जो MD हैं, DM हैं, वहाँ सब जगह रिपोर्ट एक्सेप्ट होती है आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब आप किसी BAMS या RMP डॉक्टर के पास जाते हैं तो शायद वो नकार सकता है एक बार, क्योंकि उसके पीछे उसके कुछ कारण है तो वो नहीं जा। आज की डेट में हम क्या कंसेप्ट दे रहे हैं कि अगर आपको बुखार हुआ तो आप पहले टेस्ट करा लो और फिर डॉक्टर के पास चले जाओ। पहले क्या होता था कि पहले डॉक्टर के पास जाते थे, वो डॉक्टर तब भी एक फीस लेता था, फिर टेस्ट लिखाता था तो उसका हो सकता है कि उसकी खुद की अपनी कोई लेबोरेटरी हो छोटी सी, फिर आप उसके बाद दोबारा रिपोर्ट के साथ जाते थे, वो तब भी आपसे फीस चार्ज करता। तो आज कुछ हद तक हम कामयाब हो पाए हैं जहां लोगों को पता है कि अगर उन्हें आज बुखार आया है या कोई दिक्कत आई है वो पहले हमसे टेस्ट करा लेते हैं और उसके बाद जाके डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो जो आपने कहा कि बड़े डॉक्टर बड़े अस्पतालों में, तो वो पहले ही लाइनें लगी हैं, उन बड़े डॉक्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको एक फीस नहीं मिली जी, तो वहां पे वो कंफर्टेबली एक्सेप्टेबल होता है। हाँ, लेकिन कुछ हद तक छोटे
डॉक्टर्स जो गली को बीएएमएस आरएमपी डॉक्टर्स हैं उनको जरूर दिक्कत हो सकती है इससे। मेडिकल चेकअप में, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कोई भी इंडिविजुअल जब कुछ अमाउंट एक्स अमाउंट खर्च करता है, क्या वो अमाउंट तो जो इनकम टैक्स का एक सेक्शन है एटीडी जिसमें मेडिकल जांच की जो छूट की रिपोर्ट वगैरह मिलती हैं, ये पार्ट उसके अंदर कवर होता है त्यागी जी या नहीं होता? हाँ जी बिल्कुल, हमारे इनकम टैक्स में एटीडी के अंदर ये पूरा का पूरा रिएम्बर्स होने की सुविधा गवर्नमेंट ने दी हुई है जी। कोई भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा के उसका फायदा वहां से लिया जा सकता है। दोस्तों ओपन कोर्ट का जो एपिसोड है उस एपिसोड में आज हमने एक संदेश देने की कोशिश की है। आज मेट्रो सिटीज में मैं समझता हूँ ऑन एंड एवरेज जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है मिडिल क्लास का वो एक हेल्दी अर्निंग कर रहा है और वो उस अर्निंग में आयकर बचाने के लिए वो एटीसी में जाता है, कई तरह के इन्वेस्टमेंट वगैरह करता है। उसी इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है एटीडी, इनकम टैक्स का सेक्शन है, जिसमें यदि आप हेल्थ चेकअप के अंदर कोई एक्स अमाउंट यदि आप खर्च करते हैं, त्यागी जी कितनी लिमिट है, 5,000 तक यदि आप कोई अमाउंट उसके अंदर खर्च करते हैं तो वो अमाउंट आपका इनकम आपकी इनकम में से डायरेक्टली लेस होगा और उस अमाउंट पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैं इस प्रोग्राम के जरिए जो हमारा देश की जनता है उनको मैसेज देना चाहूंगा कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दें और स्वस्थ भारत बनाने में अपना छोटा छोटा योगदान दें। इसी के साथ ही मैं दोबारा आता हूं राम त्यागी जी के पास में। त्यागी जी, जो एक नॉर्मल बीमारीज होती है कभी भी आदमी को हो जाती है पता ही नहीं पड़ता, वो होता है बीपी। एक आदमी को मान लीजिए कमजोरी आ रही है, उससे चक्कर आ रहे हैं, तो उसे लगता है कि यार आज शायद मैंने खाना नहीं खाया इस वजह से चक्कर आ रहे हैं, या मैंने आज 3-4 घंटे से पानी नहीं पिया धूप में खड़ा हूं इस वजह से चक्कर आ रहे हैं। उससे पता भी नहीं रहता कि शायद उससे लो बीपी होगी या उससे हाई बीपी होगी। तो बीपी को कैसे टेस्ट किया जाता है किसी आदमी को कि भाई आपको बीपी की बीमारी है? देखिए सिर्फ एक बीपी के लिए, चलो अभी आपने बात छेड़ी है, तो बीपी ब्लड प्रेशर जो है वो मल्टीपल रीजन है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा हो सकता है। अब किसी को भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो जनरल हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है बीपी चेक करने का, आमतौर पे हर घर में मिल जाता है, रखते हैं लोग, शुगर हो गया बीपी हो गया तो वो चेक कर लेते हैं। लेकिन हमें ये ज्यादा जरूरी जानना अहमियत है कि हम बीपी क्यों कम ज्यादा हो रहा है। अब वो थायराइड की वजह से भी हो सकता है, वो किडनी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल हो उसकी वजह से भी हो सकता है, और ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ हमें ब्लड टेस्ट से ही पता चल सकती हैं। उसी के लिए हमारा जो होल बॉडी पैकेज है उसके अंदर हमने पूरा हार्ट रिस्क प्रोफाइल ऐड किया है। अगर खाली हार्ट रिस्क प्रोफाइल ही हम मार्केट स्टडी करेंगे तो 1,000 रुपीज से ज्यादा का होता है। हमारे पूरे पैकेज के अंदर विटामिन डी, B12, B9, हार्ट रिस्क प्रोफाइल। आपकी वेबसाइट पे जब मैं गया था स्टडी करने के लिए, उसमें कुछ विटामिनों की जांच का प्रोफाइल है कि आप कुछ विटामिन चेक करते हैं, विटामिन चेक करने से क्या सीन है, मतलब क्या रिजल्ट शो होता है उससे? सर विटामिन एक ऐसा एसेंशियल पार्ट है हमारी बॉडी का, अगर इसकी कमी हो या एक्सेस में हो, कुछ लोग अननेसेसरीली विटामिन डी बिकासोल या कई सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं लोग लेते रहते हैं ये सोच के कि एज फैक्टर है या मुझे ये लेना चाहिए, किसी ने एक दूसरे को समझा दिया विटामिन ले लो, लेकिन वो बहुत गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तीन विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी है जो हमारे बैलेंस अमाउंट में होने चाहिए हमारी डाइट में आज की डेट में, जैसे कि विटामिन डी है जो हमें सूर्य की किरणों से हमारी बॉडी में बनता है मेटाबोलाइज होके। विटामिन डी की डेफिशिएंसी 90% लोगों में है और इसकी वजह से हार्मोन बैलेंस होता है हमारी बॉडी में, हड्डियों का कैंसर तक की प्रॉब्लम आ जाती है। विटामिन B12 है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में खून ना बनने का कारण एक हो सकता है, मतलब बॉडी में खून नहीं बनेगा। ऐसे विटामिन B9 है, अगर B9 की कमी रेगुलर बेसिस पे हमारी बॉडी में है तो हमारे में पैनक्रियास कैंसर तक डेवलप हो सकता है।
तो हमने अपने पैकेज में ये तीनों विटामिन हार्ट लीवर किडनी थायराइड एक इस तरह का पूरे 107 से मोर देन 107 टेस्ट हमने डाले हैं, जो कि हम एक बार के ब्लड सैंपल देने में और यूरिन सैंपल देने में हम पूरी पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में किसी चीज की कमी या एक्सेस अमाउंट तो नहीं हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे थे ओपन कोर्ट, और ओपन कोर्ट में आज हमारा मुद्दा था स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत की मुहिम में लगी हुई एक स्टार्टअप वेलनेस पैथकेयर से आज हमारे स्टूडियो में दो विशेष मेहमान मौजूद थे। मैं उन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, राम त्यागी जी और सुनील दुग्गल जी, शुक्रिया आपका। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमारे स्टूडियो में आके हमारे दर्शकों तक दिया और दर्शकों को कुछ हद तक अपने जागरूक भी किया कि हेल्थ चेकअप और प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप किस लिए जरूरी है और क्यों जरूरी है। आप देख रहे थे ओपन कोर्ट, कल ओपन कोर्ट में इसी वक्त फिर मिलेंगे, और कल का हमारा मुद्दा रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट, माइक्रो फाइनेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं के लिए आधी आबादी को कल का हमारा ओपन कोर्ट कार्यक्रम समर्पित रहेगा। जुड़े रहें ओपन कोर्ट से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। ओपन कोर्ट वाज ब्रॉट टू यू बाय वेलनेस पाथकेयर।